comfortable? Yeah, मैम सबसे पहले आप लोग के शो जो आ रहा है रज्जो करके उसके बारे में जानना चाहेंगे, कितना एक्साइटेड है 22 तारीख से चालू होने वाला है शो? ऑफकोर्स बहुत एक्साइटेड है, और पहले तो जल्दी 8 को होने वाला था बट अब 22 को हो रहा है, सो वेट कर रहे कि कब ये शो स्टार्ट हो। और अभी जो सेकंड प्रोमो आया है वो तो और भी अच्छा है, जिस तरीके से सीन्स दिखा है लोग एंटरटेन होंगे फुल। एंड रोल्स के बारे में जानना चाहोगे, किरदार के बारे में, आप लोगों का किरदार क्या है? ओके सो आई विल स्टार्ट फर्स्ट, आई एम प्लेइंग रज्जू'स मॉम इन द शो एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द स्टोरी माई स्टोरी। सो मेरा किरदार ऐसा है, कितना रिवील करना भी आई डोंट नो, शी इज़ माई डॉटर और हम पहाड़ में रहते हैं। मैंने उसको छुपा के रखा है सबसे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में थी और मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि मैं उसको लेके पहाड़ चली जाती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो खेले, किसी भी हालत में खेले। तो अगर वो छोटी सी भी दौड़ में पार्टिसिपेट करती है तो मैं उसको मारती हूँ लिटरली, बिकॉज शी इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मैं नहीं चाहती कि खेल में वापस लौटे। बट कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि हम यहाँ लैंड करते हैं वहाँ एग्जैक्टली जहाँ हमें नहीं होना है। सो यस, हमने देखा एक डायलॉग भी था, थप्पड़ से डर नहीं लगता प्यार से, प्यार से डर। कितना रिलेटेबल कर पाते हो अपने अपने ये डायलॉग, कितना लाइक ये तो बहुत फेमस डायलॉग है। सी फॉर आई थिंक फॉर अ मदर एंड डॉटर दिस इज वेरी वेरी रिलेटेबल, बिकॉज एक माँ और बेटी का जो प्यार होता है, और वो भी सिंगल मदर, आई एम प्लेइंग सिंगल मदर इन द शो, सो डेफिनेटली आई लव हर, बट मैं जो चीज़ें ना हैं उसके लिए ना, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट मॉम। सो यस, बताइए उसके बाद आप क्या कहना चाहोगे आपके किरदार के बारे में? सो मेरा कैरेक्टर नेम है स्वरा, और घर में एक बहुत पॉजिटिव है जो अर्जुन है, अर्जुन के भाई की वाइफ है, वाइफ हम है, और वेरी पॉजिटिव, घर का काम करना अच्छा लगता है, जो सिया है बच्ची उससे बहुत प्यार करती है, शी लुक्स पॉजिटिव। सारे कैरेक्टर्स ही ऐसे लिए कि एक्चुअल में सूट करते हैं। रियल लाइफ से आपका कैरेक्टर इतना सिमिलर है? तो मेरा कैरेक्टर रियल लाइफ से इतना सिमिलर है कि व्हेन मुक्ता वाज टेलिंग मी स्टोरी, सो आई गॉट शॉक्ड कि एक्सक्यूज मी, मेरी लाइफ पे लिखा है क्या? सो इन शो आई एम फ्रॉम लखनऊ, विच इज़ रियल दैट आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम बींग मीन्स आई एम इन पहाड़, सो आई एम पहाड़ी ओनली। एंड इन द शो आई एम प्लेइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, विच आई एक्चुअली वॉज when I was in my school, and even in show I had my daughter when I was very young, in real life also I had daughter when I was very young, so only difference is that my hero is not a villain and here my hero is a villain. So do you think this all things are making your role very 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 simple. Very strong, very very very, strong. Very simple to play, simple also, and very very means I believe in that thing, na, because that's what I am. Yes. I have a daughter like her, I am from Lucknow, I have been to, means I'm a Pahari girl, so everything is like really really connected. So I got my goosebumps when she was telling me story, ki ye story hai and you are playing this, and I was like, oh my god, this is my story. मैं आपसे जानना चाहेंगे आपका कैरेक्टर कितना रिलेटिव, कितना सिमिलर है आपके रियल लाइफ से? हाफ है हाफ नहीं है, लाइक घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है स्वरा को, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, बट हाँ मैं पॉजिटिव रहती हूँ बहुत, बच्चों से प्यार करती हूँ मैं, मेरी भी नीस है, सो मैं उससे इतना प्यार करती हूँ तो मैं सिया से भी उतना ही कनेक्टेड हो पाती हूँ। एंड शो शुरुआत होने से पहले एक संदेश दे चुका है शो ऑलरेडी कि सपनों के पीछे भागना चाहिए, सपने पूरे करना चाहिए, आने वाले समय में कितने सारे संदेश हमारे दर्शकों को आप देने वाले हैं? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ टू कैरेक्टर्स आर लाइक, मैं आई वॉज वेरी सक्सेसफुल इन स्पोर्ट्स बट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस मैं नहीं कर पाई, और रज्जो भी बहुत स्ट्रांग है करने में, मतलब शी इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बट वो नहीं कर पा रही क्योंकि मैं करने नहीं दे रही हूँ उसको। सो ये आई थिंक दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू शो, कि अगर आप इन चीज़ों के पीछे ना पढ़ के अपने ड्रीम को पूरा करें, और जो चीज़ें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप उन्हें करें तो सक्सेस, मतलब आपको सक्सेस पाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। टेलीविज़न सीरियल्स की बात की जाए अगर, तो टेलीविज़न सीरियल्स में जो है अभी एक थोड़ा सा गिराव दिखाया जा रहा है, जब से OTT आया है लोग जो है
OTT पे वेब सीरीज देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ? देखिए, इंडिया की ज़्यादातर जनता जो है वो अभी भी सीरियल्स ही देखती है. देर आर मेट्रो सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली एंड ऑल, जहाँ पर अब देखने लगे हैं लोग वेब शोज़. बट अभी भी अगर हमारे घर, मतलब हम यहाँ पर हैं, बट अगर हमारे घर देखेंगे, इवन इन लखनऊ आई विल से, पीपल आर वॉचिंग सीरियल ओनली. सो इंडिया में सीरियल्स का कम होना बिकॉज ऑफ OTT, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल. इवन आई वांट टू ऐड सम लाइंस, नाउ द सीरियल्स आर आल्सो बीइंग शोड इन OTT लाइक हॉटस्टार. इफ द हॉटस्टार प्लस इज देयर, डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी चेंज फॉर द पीपल? लाइक नाउअडेज wherever you are, you can just click your phone and start seeing the show. इससे शो के पीछे भी TRP काफ़ी बढ़ रही है, उसके लिए क्या क्या सोचते हो आप? ऑफकोर्स, मैं कुछ सीरियल देखते देखते बड़ी हुई हूँ. बहुत सीरियल्स देखती थी मैं. अभी शूट की वजह से हम नहीं देख पाते, TV ऑन करके नहीं देख पाते. सो ये एक ईजी रहता है कि हम ऑनलाइन है, सो कभी भी आप ऑनलाइन सीरियल देख सकते हैं. सो ये जैसे पहले सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए ही इट वाज पॉसिबल, बिकॉज वो उस टाइम पे घर पे होते हैं, आप 7 बजे से TV चला लेते हैं और 9:30 तक TV चलता रहता है. और बिकॉज ऑफ दैट जो भी वर्किंग लोग हैं वो नहीं देख पा रहे थे. बट OTT से ये बेनिफिट है कि नाउ एवरीबडी कैन वॉच वट एवर यू वॉन्ट वॉच एट एनी टाइम. सो येस, डेफिनेटली इट्स मेकिंग डिफरेंस. फाइनली, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी और क्या आपको लगता है कि मतलब क्या USP है शो की? USP सारे कैरेक्टर्स हैं सर, क्योंकि सब लोग ही बहुत मेहनत कर रहे हैं शो में, सब लोग अपनी जान डाल रहे हैं. सो ऑफकोर्स एंटरटेनमेंट फुल मिलेगा. और यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप ये शो देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा. सो आई वुड लाइक टू से दैट दिस शो इज़ वेरी डिफरेंट. अगर अभी आप देखेंगे तो देर इज़ नो कॉन्सेप्ट लाइक दैट. अभी तक बहुत सारे शोज़ देखे हैं हमने, कभी ये कभी वो, बट इस शो में इट्स वेरी डिफरेंट एंड वेरी रॉ. मीन्स अगर आपने मेरा और रजो का लुक देखा होगा तो देयर इज़ नो मेकअप, नो नथिंग. हम एक पहाड़ से आए हुए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर. एंड देन इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू स्पोर्ट्स ऑल्सो, जो अभी आपने कहीं नहीं देखा होगा. द स्टोरी इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी रॉ, वेरी रियल. सो मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इस शो से. प्लीज़ वॉच इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर 22. 22. Yeah. Thank you so much. Thank you.